हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं बताना। और मेरी आवाज़ सुन के जैसे कि आपको लग रहा है, यही सच है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। इस वजह से आप लोगों की वीडियो भी बहुत ही रेगुलर मैं देख रही हूँ, और अपना वीडियो भी मैं बहुत 7-8 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करी हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं करी हूँ, तो सोचा चलो आज बात कर लेते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट की भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो यही है, तो बात यह है कि मेरे को हुआ क्या है ना। तो 4 अगस्त की जो वीडियो था उसमें आपको पता था कि मेरी थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत थी, तो उस टाइम तो मुझे थोड़ा जुखाम लग रहा था। मुझे लगा चलो वेदर चेंज है तो ऐसे हुआ होगा। फिर 5 तारीख से मेरे को अचानक बहुत ज़्यादा बुखार शुरू हो गया, और उसके बाद क्या हुआ 101 के ऊपर हमेशा से ही बुखार है। जब भी आप मेडिसिन खाते हैं तभी बुखार उतरते हैं, वरना वैसे की वैसे है। साथ में और भी सारे प्रॉब्लम, जुकाम है, खांसी बहुत ज़्यादा है, इतना खांसी आप मत पूछो, जैसे लग रहा है फेफड़ा बाहर आ जाएगा नाक से, तो ऐसी हालत है। और गला तो दर्द है ही है, तो मैं पार्शियली वैक्सीनेटेड हूँ, तो मुझे लगा मेरे को कोरोना हो गया है, क्योंकि मैं 4 तारीख को काफ़ी बाहर घूम चुकी थी। और जो मेरी सिम्टम था, आधी तो कोरोना से मैच कर रहा था, आधी डेंगू चिकनगुनिया ये सब से मैच कर रहा था। तो ऐसे 3 दिन आप कह सकते हो कि मैं पूरा सेंसलेस हालत में थी, कुछ खा नहीं रही थी, बस उठ के कैसे भी करके, मुझे दिन कैसे 3 दिन चले गए पता नहीं। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर ब्लड वगैरह टेस्ट करी है, फिर पता चला कि मेरे को टाइफाइड हुई है। और चलो अच्छा हुआ एक तो कि कोरोना नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे यार टाइफाइड हो गया है। और हो सकता है मैं कुछ दिन बाहर की खाना खा रही थी रेगुलरली, इस वजह से हो सकता पानी की प्रॉब्लम है। अब कैसे हो गया ये तो नहीं पता, लेकिन इसको ठीक जरूर करना है। तो इस वजह से मैं अभी भी एकदम कंप्लीट रेस्ट में हूँ, कुछ भी खाना पीना तो सोचिए मत, मुंह इतना कड़वा है, इतना मेडिसिन खा रही हूँ मैं, तो भूल गई हूँ मैं खाना पीना, अच्छा खाना क्या होता है ना। मुझे लग रहा है मैं इतने दिनों से जो स्पाइसी खाना खाई हूँ ना, उसकी पनिशमेंट आज मुझे मिल रही है। तो एनीवे यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए लोग ब्रेकफास्ट में पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, और मैं पी रही हूँ क्या बोलूँ इसको, मौसम्बी की जूस, यही है। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ, आप लोग देखते रहना बीमारी के टाइम में मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मेरे जो यूट्यूबर दोस्त हैं जिनकी वीडियो मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप लोग माफ कर देना, मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं ताकि सबकी वीडियो धीरे धीरे देख पाऊँ, ठीक है ना। तो यही है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आने वाली है, और अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग न्यू है प्लीज पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना। तो चलिए तो अभी टाइम है दोपहर की 12 बजे, और मैं सब्जी काटने लगी हूँ क्योंकि मुझे अब लंच रेडी करना है। अब लंच के नाम में तो भी बचा हुआ है, क्योंकि अब लंच के नाम में मुझे जो बीमारों वाला सब्जी की करी होती है ना वही मिलती है। बिल्कुल खाने के मन नहीं करता, लेकिन क्या करें बीमार हूँ इसलिए खाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जो सारे सब्जी जैसे कि कच्चे पपीते, कच्चे केले, झींगा यानी तरी और पोटैटो, ये सबको मैं लंबा लंबा करके काट के एक कारी वाला बनाऊँगी, जो अदरक जीरा डाल के बनाऊँगी। बहुत ही बेकार खाने में लगते हैं, लेकिन क्या करें यार खाना पड़ता है, अब यही है जीवन में तो यही बची है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ को मैं लंबा लंबा करके काट रही हूँ, और आज मैं बहुत दिन बाद फिश खाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कि फिश खाओ नहीं तो तबीयत अच्छा होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं मैकेरेल यानी बांगड़ा खरीदी हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे ना सुबह फिश मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन लेना पड़ा। फिश काफ़ी साफ ताज़ा था, और ये लोग फिश खुद ही साफ कर दिया, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो यही है, मैं फिश का कुछ और नहीं बनाऊंगी, बस इसको फ्राई ही करूंगी, क्योंकि और कुछ बनाऊंगी ना तो मैं हजम नहीं कर पाऊंगी उसको, अभी मेरी पेट की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो फिश को जो ऑयल में, गर्म ऑयल में छोड़ने के बाद ना एक आवाज़ आती है, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैं वो आवाज़ को रख दी हूँ। तो यही है,
और फिर इसको मैं बस थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च देके फ्राई करूँगी, बस और कुछ नहीं करूँगी। हालांकि फिश काफ़ी मतलब फ्रेश था, और कुछ अच्छा बनाती तो बहुत अच्छा टेस्ट होता। तो देखिए, बात करते करते मेरी फिश भी फ्राई हो चुके हैं, और सी फिश है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये चिम्मट टाइप से बन जाते हैं। तो यही है, अब बनाऊंगी जो मेरी बीमारू वाला सब्जी है वही। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि सरसों तेल छोड़ के किसी और तेल में बने हुए खाना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसमें बस हरी मिर्च और थोड़ी सी पाँच फोड़नी जो है उसको फोड़न में डाल के ये करी में बनाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी जीरा पाउडर देंगे, बस यही है। और इसको कुछ डिटेल में मैं बता नहीं रही हूँ, आप सभी को पता है इसे बीमारू करी बनाना, तो यही है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक। और आपने देखा कैसे मैंने खाना बनाया, मेरी बीमारी वाली सब्जी और फीस भी बन चुकी है। तो उसके बाद मैं बैठी हूँ मेडिसिन लेके, कितना सारा मेडिसिन है आजकल, मैं खाना कम और मेडिसिन ज़्यादा खा रही हूँ, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ना, एक बार बीमार हो गई तो ठीक होने के लिए तो ये सब खाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं लंच करती हूँ और आपको बाय बाय बोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुके हैं। और तो यही था आज की ये छोटा सा एक ब्लॉग, आप मुझे बताना आपको कैसी लगी है, और आपको पता है आपको अच्छा लगे तो आपको क्या क्या करना है, तो मैं दोहराऊँगी नहीं। तो यही है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।